हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जब दहला योगी का गोरखपुर, तब अखिलेश ने किया सीधा सवाल, बेखौफ बदमाशों के बुलंद हौसलों पर किसका आशीर्वाद? लगता है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह प्रण ले लिया है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वो योगी सरकार को वॉक ओवर नहीं देने वाले हैं, खुली छूट नहीं देंगे। यहाँ कुछ हुआ उधर अखिलेश घेरने के लिए तैयार हो गए। ये अखिलेश का बिल्कुल ही अलहदा तरीका है, बिल्कुल ही अपनी राजनीति की नई रणनीति को अखिलेश अपना रहे हैं। वैसे तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अक्सर अखिलेश योगी सरकार को निशाने पर लेते आए हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिगड़ गोरखपुर में हुई टूट की वारदात को संजीदगी के साथ उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश ने ट्वीट करके लिखा है कि यूपी में अपराध भयावह रूप में है। उन्होंने सीएम सिटी गोरखपुर में पेट्रोल पंप मैनेजर से हुई 11 लाख रुपए की लूट की घटना को दिल दहला देने वाला बताया। इतना ही नहीं, अखिलेश ने अपराधियों के बुलंद हौसलों के पीछे किसका हाथ है इस पर भी सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, यूपी में अपराध भयावह रूप लेता जा रहा है। गोरखपुर जैसे विशिष्ट महत्वपूर्ण नगर में एक पेट्रोल पंप मैनेजर को दिन दहाड़े गोली मारकर 11 लाख रुपए लूट लेने की घटना दिल दहला देने वाली है। सवाल यह है कि अपराधियों के इस बेखौफ बुलंद हौसलों के ऊपर किसका आशीर्वाद है? वैसे अखिलेश ठीक कहते हैं, गोरखपुर विशिष्ट महत्वपूर्ण नगर तो है ही, यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आते हैं। योगी यहाँ से कई बार सांसद रहे, गोरखपुर से नाता मुख्यमंत्री योगी का दशकों पुराना है। यहाँ की जनता ने मुख्यमंत्री योगी को हर भूमिका में स्वीकार किया है। योगी जिस भी भूमिका में आए लोगों ने हाथों हाथ लिया, लेकिन आज जबकि उनके क्षेत्र में बदमाश बेलगाम हो गए हैं, बेखौफ हो गए हैं, पेट्रोल पंप मैनेजर को गोली मारकर 11 लाख रुपए की लूट कर ली, तो सीएम योगी पर सवाल उठाया ही जाएगा। अखिलेश ये पूछेंगे कि अपराधियों के इस बेखौफ बुलंद हौसलों के ऊपर किसका आशीर्वाद है? ऐसा है क्या? तो अपराधियों पर किसका आशीर्वाद है? किसी का तो होगा ही, तभी तो मुख्यमंत्री के क्षेत्र में घुसकर बदमाश जनता को अपना निशाना बना रहे हैं, उन पर कहर बरपा रहे हैं, उन्हें दरिंदगी का शिकार बनाकर यमराज के पास भेज रहे हैं। ऐसे में जनता क्या करेगी? बड़ा सवाल अखिलेश के ट्वीट के बहाने यही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।